एक आपने बयान अभी दिया है कि मोटरसाइकिल पर तीन सवारी का चालान नहीं होगा, इससे बड़ा चर्चा आ गई, ये बयान नहीं क्यों आप, देना नहीं आप, पड़ा? सोच लीजिए कि आप देखिए ट्रेन में बोगी होती है, एक बोगी में 60-70 सीट होती है, दो दो सौ तीन तीन सौ चार सौ लोग जाते हैं, तो उस ट्रेन की चालान नहीं होती है, सरकार नहीं करती है। 50 सीटर 60 सीटर की बसें होती हैं, 100-100 90-90 उसमें ठूस के जाते हैं, चालान नहीं होती है। नौ सवारी की जीप मिलती है, नौ सवारी का पास होता है, उसमें भी 20-22 भर के जाते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। सिपाही थाने पर जब कोई एप्लीकेशन पड़ती है, कोई झंझट तकरार होता है, तो दरोगा जी सिपाही जी जाते हैं पकड़ने, जब पकड़ लेते हैं तो बिचवा में बैठाते हैं, तो तीन हो जाते हैं, तो सिपाही जी दरोगा की भी चालान नहीं होती है। तो फिर बताइए कि अगर हम लोग तीन सवारी चलते हैं तो क्यों चालान होती है? अगर हमारी चालान होगी तो सबकी चालान होनी चाहिए, इस नाते तीन सवारी फ्री किया हूं। और नकाब इन चुनाव के पहले आ गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब आता है तो ये धर्म का चश्मा पहनते हैं, नफरत की राजनीति बोलते हैं, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात ये क्यों नहीं बोलते, देश में प्रदेश में रोजगार की बात क्यों नहीं बोलते? ये अन्ना पशु आवारा पशु योगी मोदी के ललका सांड से निजात कैसे मिले किसान को, आम आदमी को, इस पे क्यों नहीं बोलते? प्रदेश में अभी घरेलू बिजली का बिल माफ हो, अभी इन्होंने किया ना, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का बिजली का दाम बढ़ा के लूटा, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले बिजली का दाम आधा कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इसका मतलब कि आपने लूटा, पैसा वापस करो पहले। तो बिजली का बिल माफ, 1 करोड़ रुपया गुजरातियों का, 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? इस पे क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुफ्त देना है तो शिक्षा दो, दवाई दो, रोजगार दो, नौकरी दो, यही कह दे रहे हैं मोदी जी। आप सत्ता में आएंगे तो माफ करेंगे ये बिजली का बिल? 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल सबको मिलेगी। और जो बकाया बिल? अब बकाया बिल पर तो हम विचार करेंगे भाई, अभी उसमें फैसला नहीं, साथ साथ बात। उत्तर प्रदेश में अगर आज मैंने किया है 4 सेट भाई, और आगे इरादा है सरकार बनाने का, तो सरकार बनाने अगर जा रहे हैं तो कुछ संदेश देना चाहेंगे विपक्षियों को? नहीं, हम प्रदेश के 24 करोड़ जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, किशोरा पटेल, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, हम सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।